नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं अपना अनोखा कार्यक्रम पत्रकार वार्ता लेकर। पत्रकार वार्ता में आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं श्री मनीष जैन। मनीष जैन खंडवा में पत्रकारिता से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उसके साथ ही व्यापारिक मामलों में भी इनका काफ़ी दखल रहा है। आज हम इनसे बात करेंगे खंडवा के व्यापारिक हलचल की। जैन साहब, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम पत्रकार वार्ता में। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे आपसे खंडवा की जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, पिछले अगर 20 सालों में हम इसका आकलन करते हैं तो काफ़ी बदलाव आए हैं खंडवा के बाज़ार में। खंडवा के बाज़ार में भी अब बूम आने लगा है, यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीज़ें, नए शोरूम, नए काम शुरू हुए हैं। इसको लेकर के आपका क्या आकलन रहा है अब तक के खंडवा के बाज़ार को लेकर? आसिफ जी, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। खंडवा निमाड़ का एक बड़ा सेंटर है, जिसके आसपास के जितने भी ब्लॉक हैं, चाहे बीड़ है, मुंदी है, पुनासा है, पंधाना है, गुड़ी, देड़ तलाई, पिपलोत, इवन महाराष्ट्र का धारणी जो है वो भी खंडवा से जुड़ गया है। धारणी के लोग अमरावती न जाकर के खंडवा के व्यापार करते हैं, और निमाड़ की अपनी एक तासीर है। यहाँ का बाज़ार जो है बहुत अधिक भरोसेमंद है। बड़े महानगरों समान यहाँ पर चिटिंग नहीं होती, और प्रोफेशनलिज्म, जो व्यवसायीकरण जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, आत्मीयता है यहाँ के व्यापारियों में। पिछले 2 दशक में यदि हम विस्तार से चर्चा करें अलग अलग क्षेत्रों में, तो खंडवा के बाज़ार में काफ़ी विस्तार हुआ है। पहले केवल बॉम्बे बाज़ार होता था, अब आनंद नगर में भी, जहां आप बैठे हैं, आनंद नगर, बीएड कॉलेज तक, यहां तक बहुत सारे शोरूम खुल गए हैं। आनंद नगर में मैं देख रहा हूं पीटर इंग्लैंड खुल गया है, और काफ़ी कुछ बेकरी के दूसरे आइटम खुले हैं। मेन मार्केट की बात करें तो अभी अभी मैंने अभी बीच में एक बार समाचार लिखा था कि खंडवा के बॉम्बे बाज़ार में ही 3 से 4 गोल्ड के शोरूम आ रहे हैं, ब्रांडेड शोरूम आ रहे हैं। तो अब वो समय चला गया कि लोग अपनी शादी ब्याह की खरीदी के लिए इंदौर जाया करते थे। इनफैक्ट यदि हम देखें तो आज की डेट में इंदौर जाना सबसे ज़्यादा कष्टप्रद बात है। खंडवा से इंदौर का सफ़र भले ही 128 किलोमीटर का हो, लेकिन इंदौर जाना 6 घंटे का सफ़र है। खंडवा में अच्छे शोरूम हैं, ब्रांडेड शोरूम हैं, हॉलमार्क वाले शोरूम हैं, और अब यहाँ पर लोग खर्चा करने लगे हैं, व्यापारी अच्छे शोरूम बनाने लगे हैं, लोगों की अपनी खरीदी की क्षमता बढ़ी है। हाँ, खरीदी आगे होकर अब पैसे मतलब जेब से निकालने लगे हैं। पहले होता यह था कि ज़्यादातर मामलों में अगर कुछ ज़्यादा खरीदी करनी हो या ज़्यादा पैसा खर्च करना हो तो इंदौर को प्राथमिकता दी जाती थी। अब इंदौर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो अब कम होने लगी है। बिल्कुल सही बात, न केवल बाज़ार में बल्कि शिक्षा में, चिकित्सा में, जी ये दो भी बाज़ार के ही हिस्से हैं। हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, हमारे यहाँ गुजर हॉस्पिटल हो गया है, ओबेजा हॉस्पिटल हो गया है, एक पड़ावा पे 2-3 हॉस्पिटल और आए हैं, कुछ एक और हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लगभग अधिकांश सर्जरी हमारे यहाँ होने लगी है, ऐसी स्थिति नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स हमारे यहाँ होने लगे हैं। और आसपास के ग्रामीण अंचल का एक बहुत बबड़ा आंचलिक, खंडवा शहर की जनसंख्या तो 2-2.5 लाख की है, इससे 4 गुना जो खंडवा है वो ग्रामीण अंचल में बसता है, और वो सीधे खंडवा आ रहा है, इंदौर नहीं भाग रहा, इंदौर नहीं जाते। ऐसे ही यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारे यहाँ अब अच्छे स्कूल खुल गए हैं, जैसे भंडारी पब्लिक स्कूल है, उनका एक हॉस्टल भी है। हाँ, पूरी सुविधाएं दे रहे हैं वहाँ पर, स्पोर्ट की भी सारी सुविधाएं। हाँ, एक अच्छी शुरुआत उन्होंने भी करी है, और अच्छे अच्छे स्कूल्स भी आ गए हैं। तो ये भी शिक्षा है, चिकित्सा है। आपको जानकर के ये अच्छा लगेगा कि अब यहाँ पर लेंस ट्रेंड आ गया है, यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट खुल गया है एसएन कॉलेज चौराहे पर, या हम देखें तो और अच्छे हर सेगमेंट में एक्सक्लूसिव शोरूम्स का भी यहाँ पे चलन शुरू हो गया है, जैसे एलजी का है, पैनासोनिक का है, सैमसंग का है, इनके सबके एक्सक्लूसिव शोरूम्स भी आने लगे हैं। एक्सक्लूसिव शोरूम से पहले हमारे यहाँ सिर्फ इंदौर में ही हुआ करते थे। आप मोबाइल सेगमेंट में देखें तो खंडवा को अपन बहुत कमतर नहीं आ सकते। मुझे याद है कि एमआई ने 1 महीने में कोरोना काल के बाद 5 करोड़ का व्यापार किया है खंडवा में, ये बड़ी बात है। और एमआई के जो डीलर हैं, अच्छा कारोबार खंडवा में मोबाइल का भी हो रहा है, तो उसी चीज़ों का भी हो रहा है। ऐसे ही मोबाइल, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ऐसा ही बूम आया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम बात करें, दशहरे का जो हमारा आकलन है, दशहरे में 5 से 7 करोड़ रुपए की गाड़ियां उठी हैं खंडवा में। बिल्कुल सही बात। तो मतलब ये जो है, लोगों के कोरोना काल के बाद भी लोग जेब से पैसा निकाल रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, बाज़ार में आ रहे हैं, तो इसका असर व्यापारिक जो संस्थान है यहाँ के उनके ऊपर भी पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। कोरोना के बाद साइकिलिंग के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों ने बहुत तेज़ी से बड़ी संख्या में साइकिलें खरीदी है। अच्छा। जो लोग खंडवा से आउटडोर
अप डाउन करते हैं, बसेस चालू नहीं थी, तो बड़ी संख्या में दुपहिया वाहन जो बिके हैं उसके पीछे कारण यही रहा है कि आदमी सेफ रहना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, कोरोना से बचना चाहता है, इसलिए आपने दुपहिया वाहन बड़ी संख्या में खरीदे गए हैं। हाँ, मतलब कोई ये एक बड़ा फैक्टर भी है इसके अंदर। कोरोना काल में लोगों ने अपने बचाव के लिए दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहनों को अपना साधन बनाना शुरू कर दिया। जो लोग अभी तक पंधाना है, पुनासा है, मुंदी है, अप डाउन बस से कर लेते थे 30-40-50-60 किलोमीटर का, आसानी से हो भी जाता था। हाँ, अब उन्होंने ये तय किया कि नहीं नहीं अपने को बाइक लेना है, और उस बाजार में भी अच्छी बुमाई है। मैं समझता हूँ कि होंडा है, हीरो है, टीवीएस है, सभी ब्रांड के अच्छे शोरूम यहाँ पर है। फोर व्हीलर में अभी ये स्थिति है, मैं आपको बता दूँ कि महिंद्रा के पास व्हीकल नहीं है। आप धनतेरस के लिए बुकिंग करेंगे खंडवा जैसे शोरूम में, आप फोर व्हीलर मांगे तो यहाँ पर व्हीकल के लिए आपको धनतेरस दीपावली पर व्हीकल नहीं मिलेगा, आप सिर्फ बुकिंग कर सकते हो इस दिन। हाँ, बुकिंग कर लें, टोकन मिल जाएगा कि आपका खंडवा में आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो इसके अलावा ऐसा ही मतलब इसी तरह के बूम आपको और किस सेक्टर में दिख रहा है खंडवा में? एक बहुत अच्छी चीज़ आई है, पहले हमारे यहाँ सिंगाजी थर्मल पावर फेज 1 फेज 2 आया, L&T कंपनी आई और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पे काम किया। उस दरमियान जो है 1-2-3 साल तक के लिए यहाँ की होटलों में काफ़ी रस रहा, अधिकारी आते थे क्योंकि वहाँ पर मूंदी में या सिवरिया में तो कोई ऐसी सुविधा होती नहीं थी ठहरने की। यहाँ पर काफ़ी अच्छे होटल जो हैं उन्होंने शुरुआत करी जी। इसके बाद एक नया परिवर्तन इसमें यह आया है कि हनुमंतिया जब से हमारे यहाँ आया है ना, आज खंडवा जिला जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे आया है। आप देखें यहाँ पर ओंकारेश्वर है हमारे खंडवा जिले में, हनुमंतिया है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, हमारे पास सेनानी टापू है, हमारे यहाँ सिंगाजी है, हमारे यहाँ दादाजी धुनी वालों का दरबार है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है भक्त आते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, सेवा करते हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। तो होटल टूरिज्म में भी एक अच्छी शुरुआत हुई है और उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ समय में यहाँ पर लगातार अच्छी होटलें खुल रही हैं। मानस टू की तैयारी है लैंडमार्क वन में, राज रेसिडेंसी खुला एक बहुत बड़े पैमाने पे, लगभग 100 कमरों से ऊपर का उन्होंने हिम्मत करी है, एक अच्छी होटल, मतलब एक बहुत एक अच्छा माहौल देने की कोशिश भी की है शहर को उन्होंने। अगर खंडवा में बड़े कार्यक्रम आयोजन होते हैं, बड़ी शादियां होती हैं तो वहाँ लोग उसको बुक कर रहे हैं। ये खंडवा की ज़रूरत थी, खंडवा के लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं। अभी तक ये होता था, जैसा आपने बताया, एक दशक पहले ये होता था कि खंडवा का आदमी, यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, बड़े अच्छे गार्डन नहीं हैं, तो इंदौर जाता था, वहाँ 15-20-25 लाख रुपये खर्च करता था और शादी करता था। अब हम यदि चाहते हैं तो खंडवा में राज रेसिडेंसी जैसे अच्छे सेंटर हैं, वहाँ पर बड़े इवेंट हो रहे हैं, बड़े टेंट हाउस अच्छे बड़े बड़े हैं, जिसको देख के लगता है कि कैटरिंग का कारोबार भी अच्छा है। कैटरिंग के कारोबार में पिछले एक दशक में बड़ा बूम आया है, आर्यन के कैटरर है और बहुत सारे लोगों ने, ठीक है अभी कोरोना काल में तात्कालिक रूप से उन लोगों को थोड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा सा परेशानी हुई है, स्थितियाँ बहुत सामान्य हो रही हैं। खंडवा में कोरोना के केसेस जो हैं बहुत अब लगभग नगण्य रह गए हैं, मैं समझता हूँ 30-35 होम क्वारंटाइन है और 30-35 हॉस्पिटल में हैं। स्थितियाँ बहुत सुखद होगी और दादाजी महाराज ने चाहा तो दीपावली बाद खंडवा में पूरी ताकत से बाजार अपने उफान पे होगा, शादी ब्याह पूरे उसी ढंग से चालू रहेंगे। तो इस सेक्टर में भी जैसा आप हमने बात करी कि कैटरिंग के सेक्टर में, होटलिंग के सेक्टर में और बड़ी बड़ी होटलें हमारे यहाँ अब पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी के साथ चल रही हैं, टिकट जैसा रेस्टोरेंट खंडवा में जहाँ आपको लाइन लगाना पड़ती है, जगह नहीं मिलती है, ऐसे सदाबहार रेस्टोरेंट हैं, रंजीत हैं, मधुबन हैं, तो वो भी हैं खंडवा में। अभी तक 2 ही बार हुआ करती थी, अब तीसरी बार भी आ गई है, तो उस सेक्टर में भी जो पीने पिलाने के शौकीन हैं तीसरी बार भी शुरू हो गई है, ये भी बाजार का हिस्सा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, और काफ़ी बड़ा रेवेन्यू भी इन्हीं से मिलता है सरकार को। 128 करोड़ रुपये की रेवेन्यू जो है खंडवा जिला सिर्फ शराब के माध्यम से देता है, सिर्फ ठेकेदार देता है, मतलब ठेके के लिए। इसको हम प्रमोट तो नहीं करना चाहते पर जो हकीकत है, जो फैक्ट है वो यही है। इसके अलावा और कौन से कारोबार हैं खंडवा में जो 100 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं? बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, हमारे यहाँ कॉटन का बहुत बड़ा मार्केट है, कपास जो है अच्छा आ रहा है, अभी सीसीआई अभी उसी मात्रा में चल रहा है जितना पहले होता था कि अब कम हो गया है, काफ़ी हद तक कम हो गया है। नहीं, अच्छा कॉटन हो रहा है, अभी पिछले 2-3 दिन में 200 गाड़ी वाहन जो है वो आ रहे हैं, सीसीआई जो है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 5500 रुपया प्रति क्विंटल का भाव दे रहा है, किसानों के चेहरे पे तो बहुत अच्छा भाव है। हाँ, किसानों के चेहरे पर रंगत है, खुशी है और अच्छा भाव मिल रहा है, सोयाबीन अच्छा है, हमारे यहाँ की प्याज जो है
मैं समझता हूँ कि बहुत मायना रखती है, उसके भी अच्छे भाव मिले हैं। कभी कभी ठीक है, तात्कालिक रूप से कुछ परेशानी जाती है। प्याज मतलब अब मार्केट में आने लगी, प्याज के जो दाम एकदम बूम पर आए थे कि 50 से 60 रुपये किलो हो गई थी, 80 रुपये किलो तक भी ये महानगरों में होता है, दिल्ली बम्बई में 80-90 होता है, खंडवा में मैं समझता हूँ कि 40-50 रुपये ही हुआ है उससे। हाँ, 50 रुपये तो मैंने भी देखा है बाज़ार में कि 40 रुपये का भाव था, तो जो 40 रुपये वाला जो भाव आ जाता है तब किसानों को फ़ायदा होता है कि व्यापारियों को फ़ायदा होता है? अधिकांश तो व्यापारियों को ही फ़ायदा होता है। बात ये आती है कि जब प्याज ज़्यादा हो जाती है तो किसान को औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है, हालांकि बाज़ार का जो नियम यह होना चाहिए कि उसका लाभ उसके सभी वर्गों को मिलना चाहिए, जहाँ से पैदा हो रहा है वहाँ से भी उन लोगों को भी उसका लाभ मिले, हालांकि जो लोग बीच में बिचौलिए के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें बाज़ार में लेकर के आते हैं उन्हें भी उसका लाभ मिलना चाहिए, उसका किसी को वो नहीं है। जो किसान हैं खंडवा ज़िले के या खंडवा ज़िले के आसपास के किसान हैं, खंडवा का जो पूरा बाज़ार है वो किसानों पर निर्भर है। खंडवा की पूरी इकोनॉमी लगभग 60% अगर हम बोल रहे हैं तो किसानों पर आधारित है। तो किसानों के लिए बाज़ार कैसा है खंडवा में? कुछ विशेष उनके लिए सुविधाएं, उनके लिए कोई विशेष जैसे खाद दवा बीज, इनके अलावा जो ट्रैक्टर्स हैं और दूसरी कुछ कंपनियां यहां पर ही हैं जो खंडवा में ही ट्रालीज बनाती हैं और इस तरह के काम करती हैं, ये वाला भी एक अपना सेक्टर है जो छूट रहा है खंडवा में है। किसान यहाँ का तेज़ी से समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर मेनली सोयाबीन और कपास गेहूँ ये क्रॉप ले रहे हैं, यहाँ की अरबी जो है और प्याज है और बहुत सारी क्रॉप यहाँ ले रहे हैं, और खंडवा में यदि अच्छा भाव नहीं मिलता है तो यहाँ का किसान जो है वो इंदौर भी जा रहा है और वहाँ से अच्छे दाम भी वो लेके आ रहा है। रही बात किसानों से संबंधित सुविधाओं की, तो यहाँ पर सब प्रकार के संयंत्र के शोरूम हैं, ट्रैक्टर शोरूम है, सारे ट्रैक्टर शोरूम यहाँ पर खंडवा में हैं, ट्रॉलियों के निर्माता भी खंडवा में, शर्मा ट्रैक्टर हैं, सेंट्रल मोटर्स वाले हैं, ये सब लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उप संचालक कृषि यहाँ पर है, उद्यानिकी विभाग यहाँ पर है, शासन की योजनाओं से पाली हाउस यहाँ पर बने हैं, उतनी बड़ी तादाद में नहीं बन पाए हैं, ड्रिप इरीगेशन है और हाँ, लेकिन ड्रिप इरीगेशन और पाली हाउस वाला जो चलन महाराष्ट्र में है हाँ, उतना चलन हमारे यहाँ उसका नज़र नहीं आता, हालांकि लोगों को शायद ऐसा लगता है कि पानी खूब है यहाँ पर मिल भी जाता है उनको, तो या तो करना चाहते हैं या नहीं भी बहुत चली बहुत लंबे समय बाद ये बात देखने को आई है। खैर अभी अपन थोड़ी देर के लिए बात को यहीं पे विराम देते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम आपसे हाजिर होंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। शुरुआत सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही है। संस्था द्वारा संचालित किड्स गैलेक्सी मिडिल स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ खेल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे रखा जाता है। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरुआत के सिलाई कढ़ाई केंद्र में बनने वाले उत्पाद घर घर तक पहुँचाए जा रहे हैं। दीपावली के अवसर पर कम आय वाले परिवारों को बाजार से आधी कीमत पर नए कपड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें खर्च होने वाली राशि आपके सहयोग से अदा की जाएगी। आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो हमें इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9826776428 और 9827285990 पर। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं पत्रकार वार्ता लेकर। पत्रकार वार्ता में हम चाह रहे हैं अगला विषय लेकर के आएँ, इसमें इससे पहले खंडवा में पहले आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो खंडवा में बड़ी बड़ी ऑयल मिल हुआ करती थी, यहाँ पे दाल मिल हुआ करती थी, यहाँ पर कॉटन प्रोसेसिंग की बहुत सारी फैक्ट्रीज थी। ये धीरे धीरे शासन की नीतियों से त्रस्त होकर इन्होंने पलायन करके ये महाराष्ट्र चले गए, तो वो जो एक गैप आया था उस समय जो लोग यहाँ पे बेरोज़गार हुए थे, बाज़ार में जो मंदी आई थी उसकी भरपाई कैसे हो पाई? आसिफ जी, एक अच्छा प्रश्न आपने किया है खंडवा के उद्योगों को लेकर के। जहाँ तक मेरा ज्ञान है वही कहता है कि खंडवा वो जगह है जहाँ एक समय में मानसिंह ऑयल मिल हुआ करती थी, एशिया की सबसे बड़ी ऑयल मिल हुआ करती थी, वो बंद हो गई। यहाँ पर निर्माण टेक्सटाइल सूत मिल हुआ करती थी, वो बंद हो गई। यहाँ बैमको स्लीपर रेलवे के स्लीपर्स बनते थे, वो बंद हो गया। खंडवा में लगभग
25 से 30 दाल मिलें थी, जो समय रहते धीरे धीरे यहाँ से शासन की जो टैक्सेशन की नीतियाँ हैं उसके चलते यहाँ से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर दिया और महाराष्ट्र में अकोला में और भुसावल में जलगांव में उन्होंने अपने प्लांट लगा लिया। औरंगाबाद तक यहाँ से औरंगाबाद में लगा लिया। दाल मिलें बंद हुई यहाँ पर, उसके बाद सोयाबीन प्लांट की दिशा में खंडवा खालसा आया, अनफॉर्चुनेट खालसा नहीं मिल कर पाया। अग्रवाल ओवरसीज यहाँ पर एक बड़ा प्लांट आया, खंडवा ऑयल है। फ्लोर मिल, फ्लोर मिल अच्छे आई हैं, मतलब बहुत अच्छा होता है। गेहूँ का नाम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दौर खंडवा का ऐसा था जहाँ हिंदुस्तान भर में दाल के भाव खंडवा से तय होते थे। गेहूं, गेहूं की नई किस्में भी खंडवा से बहुत निकली हैं। हाँ, अभी भी ऑयल मिल तो हैं, ऑयल मिल का कारोबार खंडवा में अच्छा है, लगभग 2 दर्जन ऑयल मिल है, जिनिंग है, कॉटन है, तो जिनिंग का कारोबार भी खंडवा में फिलहाल तो ठीक है, अच्छा हो रहा है। एक बड़ी विडंबना की यदि हम बात करें उद्योग जगत के लिए तो वो ये है कि खंडवा में तमाम भौगोलिक परिस्थितियाँ अच्छी हैं, ये दिल्ली बॉम्बे रूट पर है, यहाँ पर सीधी कनेक्टिविटी है दिल्ली बॉम्बे से। हाँ, मतलब हम हिंदुस्तान का मेप देखें तो खंडवा बहुत अच्छी फिजिकल पोजीशन लोकेशन पे, यहाँ पर पावर हब है, हमारे पास इंदिरा सागर बांध है, हमारे पास ओंकारेश्वर बांध है, हमारे पास सिंगाई थर्मल पावर है, ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हम पूरी तरीके से समृद्ध संपन्न है, समृद्ध है, पानी हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, यहाँ पे औद्योगिक शांति है, पीस है, यहाँ पे कोई यूनियनबाजी नहीं है। इसके बावजूद भी थर्मल पावर आने के बाद उम्मीद थी कि यहाँ पर कुछ सीमेंट के उद्योग आएंगे बड़े। हाँ, इसकी लगातार लोगों को दुर्भाग्य इस बात का है, मैं आपके मंच से ये बात नहीं करना चाहिए थी। बिल्कुल, हम खुली बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव। इस बात का है कि खंडवा जिला जो है वो औद्योगिक सुलिता की ओर बढ़ते जा रहा है तेजी से, इसके पीछे राजनीतिक नेतृत्व का इच्छा शक्ति न होना पड़े। औद्योगिक पिछड़ापन कह लें हम इसको, पिछड़ापन भी थोड़ा कमजोर शब्द होगा, होने की ओर आपको बताना चाहूंगा कि खंडवा में 40 करोड़ रुपए की लागत से एकेडियन ने रूधी भगवान भौसिक ग्रोथ सेंटर डेवलप किया। आप यकीन माने कि पिछले 8 साल में वहां पर 8 इंडस्ट्रियां भी नहीं आई है, तीन या चार इंडस्ट्री, कुछ अभी एक आध दो निर्माणाधीन है। अधिकारी आते हैं, समस्याएं पूछते हैं, चले जाते हैं और कुछ नहीं होता। यहाँ टैक्सेशन की समस्या है, यहाँ पर जमीन की कीमतों की समस्या है, जिस भाव में 125 रुपये स्क्वायर फीट में वो जमीन दे रहे हैं, 150 रुपये में उससे आधी कीमत में दूसरी जगह मिल जा रही है, वही सही बात। सबसे बड़ी बात यदि वहाँ जाकर इंडस्ट्री लगाता है तो उसके लिए अप्रोच नहीं है, बाईपास नहीं है, क्योंकि कोई सा भी प्लांट यदि लगे मेन रोड से जाना पड़ता है और टोल टैक्स उससे पहले ही बढ़ जाता है। हाँ, तो ये बड़ी विसंगति है कि हमारे पास बाईपास नहीं है, पास डायरेक्ट रोड नहीं है, उसके चलते शहर के अंदर से भी रोजाना ट्रक निकलेंगे, यातायात की एक बड़ी समस्या होगी, इसलिए उद्योगों पे भी फर्क पड़ा है। ये ठीक है कि हमने फ्लोर मिल डाल करके, हमने सोयाबीन प्लांट डाल करके, हमने जीने के कारोबार के माध्यम से यहाँ के किसान को तो लगभग मिला है, उद्योगों में जो बात आना चाहिए वो अभी तक नहीं। असल में जो बाजार होता है, पूरा बाजार की सारी गतिविधियाँ उद्योगों पर और कृषि के ऊपर निर्भर होती है। कृषि के रूप में तो खंडवा बहुत संपन्न है, शुरू से संपन्न रहा है, आज भी किसानों ने कहीं धोखा नहीं दिया है। बावजूद इसके बाजार में जो बूम कृषकों से आना चाहिए या कृषि बेस्ड उत्पादों से आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, उसका कोई एक कारण आपको लगता है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है? मैं समझता हूँ पिछले 2 दशक में राजनीतिक नेतृत्व ने कभी चाहा ही नहीं कि दाल पर टैक्सेशन की दरें कम हो, मंडी अभी थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, और तमाम विसंगतियों पर विचार करना चाहिए। जैसे भी खंडवा में जो ग्रोथ सेंटर बनाया है जिसकी 40 करोड़ रुपए की लागत खर्च कर दिया है, यदि वहाँ जमीन कम कीमत पर दी जाए, मुझे याद है पहले 1 रुपये स्क्वायर फीट में उद्योगों को जमीन दी जाती थी, इंदौर रोड वाला जो वहाँ पर भी 5 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा भाव रहा है, 7 रुपये स्क्वायर फीट का भाव। हाँ, तो इंडस्ट्रियाँ आएंगी, सर्वाइव कर जाएंगी, ठीक है, आपको जमीन का भाव नहीं मिलेगा पर आपको GST मिलेगा, आपको इनकम टैक्स मिलेगा, बाकी दूसरे तो उसके फायदे हैं, बिजली का बिल मिलेगा, आपको डिमांड मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और बड़ी संख्या में कामकाज करने लोग आएंगे, तो सरकार को तो फायदा ही फायदा है। एक तो सिंगल विंडो वाला जो मामला है वो शुरू से अटका रहा है, शायद कमलनाथ ने ये कहा था कि हम जब सरकार में आ जाएंगे तो उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू कर देंगे। अब राजनीतिक छेटाकसी पे जाएंगे तो विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक पत्रकार वार्ता हो रहा है।
मतलब ये, लेकिन ये एक बड़ा कारण है उद्योगों का नहीं आने का, नए स्टार्टअप शुरू नहीं होने का। असल में बहुत सारी प्रोसेस इतनी लंबी हो जाती है नए उद्योग लगाने के लिए कि अंततः आदमी हार थक के बैठ जाता है। हाँ, ये स्थिति है, पर इसके बावजूद आपने बात करी तो मैं आपको एक अच्छी पॉजिटिव बात बताना चाहता हूँ कि खंडवा में डिस्पोजल में बड़ा काम हुआ है, प्लास्टिक और पेपर कप में बड़ा नाम है खंडवा का। एक यूनिट डली है टीटीएचसी में, और इंडस्ट्रियल एरिया में ही गन्नू संतवानी है, उनका माया स्वीट्स के नाम से एक बड़ा चॉकलेट का कारोबार है, पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में। और आप यकीन करेंगे कि खंडवा की बनी हुई चॉकलेट हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी पसंद की जाती है। अच्छी बात है, मतलब खंडवा के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव माहौल है। मतलब खंडवा के जो लोग हैं वो दुनिया को बाजार दे रहे हैं। हाँ। और खंडवा का बाजार मध्य बड़ा हुआ है, हमारे नेता से हमको चॉकलेट देते हैं, हमारे बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी तरह जिस तरह ये चॉकलेट वाला, स्वीट्स वाला जो मामला है, इस तरह के यहाँ पे नए उद्योग और लाए जा सकते हैं क्या? उसके लिए सरकार कोई मार्गदर्शन देगी लोगों को, या सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस तरह के उद्योगों को यहाँ पर बढ़ावा मिल सके? बिल्कुल, हमारे यहाँ अच्छे उद्योगपति हैं, नई पीढ़ी है, मुझे बहुत उम्मीद है। एक रियल इस्टेट अपने आप में एक बड़ा मार्केट है। हाँ, बड़ा मार्केट है, रियल इस्टेट में अच्छा काम हो रहा है, अच्छी कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं। परमजीत सिंह नारायण ने केसर सिटी डेवलप करी है, रितेश गोयल ने बालाजी धाम डेवलप किया है, अनुराग राठी अच्छा काम कर रहे हैं, आनंद नागोरी अच्छा काम कर रहे हैं, लगभग आधा दर्जन से अधिक बड़े कॉलोनी काम कर रहे हैं। बावजूद इसके बाहर के बहुत सारे लोग खंडवा में इस फील्ड में दखल दे रहे हैं। ठीक है, बाजार है, किसी को रोक नहीं सकते, पर खंडवा के लोग भी तैयार हो गए हैं और बड़ी संख्या में अच्छे ऑर्गेनाइजर खंडवा लोकल के। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ ये है कि जो जैसे खंडवा से नागोरी जी वाला ग्रुप है, ये बाहर भी जाकर के काम कर रहा है। खंडवा से बाहर बहुत सारे शहरों में इन्होंने अपनी कॉलोनीज काटी है। उद्योगपति जो है खंडवा के बाहर निकल के बुरहानपुर में काम कर रहे हैं, अन्य शहरों में काम कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। खंडवा का तो तासीर रही है हिंदुस्तान की, मुंबई माया नगरी पे खंडवा ने राज किया है लंबे समय तक। कुमार तो बड़ी बात नहीं। तो किशोर कुमार, अमित कुमार के बाद में कोई नाम ऐसा आया नहीं बाद में? असल में हम वही जो ये जो गैप जो आया है, मतलब व्यापार में भी वो गैप आया है, साहित्य में भी जो गैप आया है, फिल्म इंडस्ट्रीज में भी गैप आया है। अभी कुछ दिन पहले ही, चार दिन पहले मंगललाल चतुर्वेदी जो विश्वविद्यालय है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसके कुलपति आए थे यहाँ पर। उन्होंने कहा है खंडवा के लिए वो केवल एक कोर्स शुरू करेंगे, एक कोर्स सिर्फ खंडवा के लिए शुरू करेंगे, वो होगा फिल्म इंडस्ट्री स्टडीज़ पर। अगर वो यहाँ पर शुरू करते हैं तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, खंडवा में तो खंडवा की मिट्टी में प्रतिभा है, खंडवा की मिट्टी में गायन है, खंडवा की मिट्टी में कलाकारी है, तो निश्चित तौर पर यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है खंडवा को, खंडवा के बच्चे अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। मैं आपको नाम ले जाऊँ, योगेश मीणा, कोरोना काल के दौरान उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कोरोना काल में उनका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जलवा बिखेरा है। ऐसा लगता है कि खंडवा में, खंडवा की तासीर में है गाना बजाना, कलाकारी दिखाना, खंडवा का सौभाग्य है। तो यदि मौके मिलेंगे, अवसर मिलेगा, तो खंडवा के लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और यह भी आपदा में अवसर खोजने वाली बात है। तो मनीष भाई ने बहुत अच्छी बात कही है आपदा में अवसर खोजने की, और आपदा में जब हम अवसर खोजेंगे तभी मार्केट में बूम आएगा, और लगातार शहर तरक्की करे, बाज़ार बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ हम मनीष जैन को धन्यवाद देंगे आप यहाँ पर आए, आपने अपनी बात रखी।